नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज खबर है तो मुंबई से, देश की आर्थिक राजधानी, लेकिन ये सिर्फ मुंबई की खबर नहीं है, ये हर जगह की खबर है। और खबर क्या है, आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल जाहिर तौर पर करते ही हैं और सभी के मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप भी होता है और कई बार व्हाट्सएप पर आपको रेंडमली एक वीडियो कॉल आ जाती है या किसी की भी कॉल आ जाती है, ज़्यादातर वीडियो कॉल जिसको लेकर सवाल उठ रहा है। और जब आप उस वीडियो कॉल को, और वो नंबर आपके पास नहीं है, अननोन नंबर से, और आप जब उसको पिक कर लेते हैं, उसको उठा लेते हैं, तो सामने से आपको एक वीडियो दिखाई देता है जिसमें कोई महिला, या ज़्यादातर इसमें महिला होती हैं, जो बिल्कुल नग्न अवस्था में है और काफ़ी उत्तेजक मुद्रा में है, और उसके बाद आप उसको देखने लगते हैं और उसके बाद वो भी आपसे उस तरीके की फरमाइश करती है। और यहाँ पर सारा खेल यहीं से शुरू हो जाता है और जब तक आपको होश आता है कि ये तो हम गलत कर रहे थे, तब तक काम खराब हो चुका होता है और यहाँ से शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। हुआ क्या चिराग, मुंबई में एक शख्स है जो रेलवे कर्मचारी बताया जा रहा है और वो इस पूरे मामले में फंस गया। उसके पास कॉल आई और उसने ज़ाहिर तौर पर वो उस वीडियो को देखने लगा और फिर कुछ गलतियां उससे भी हुई होंगी, इसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। अब अपने पीछे बच्चे और पत्नी को छोड़ कर गया। एक पहला मामला नहीं है, ऐसे ढेरों मामले हैं, ये कैसे हो रहा है, ये मकड़जाल है क्या जिसमें लोग फंस रहे हैं? देखिए, जैसे आपने इसकी शुरुआत की कि हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं और रैंडमली कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आता है और वीडियो कॉल होता है और उसमें एक लड़की जो है वो नग्न अवस्था में होती है, कई बार वो आपको बातों में ल्योर करती है और आप ल्योर हो जाते हैं और उसके बाद स्थिति हो जाती है कि वो रिकॉर्डिंग कर लेती है उसकी, क्योंकि व्हाट्सएप वीडियो कॉल में कई बार ऑप्शंस, कई ऐसी ऐप्स हैं जिनसे रिकॉर्डिंग भी हो जाती है और रिकॉर्डिंग करके आपको वो तुरंत व्हाट्सएप पर वो रिकॉर्डिंग भेज देती है और ये कहती है रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अब मेरे पास नंबर भी है तो अब मैं पुलिस को भी कॉल करती हूँ और अब मैं बताऊँगी कि मेरे साथ जो है वो क्या क्या किया। तो ज़्यादातर लोग डर जाते हैं इसमें, ऐसे केसेस में कि भाई तू मत बताना, तो बताओ क्या आपकी सेवा करूं, तो कहती है ठीक है मेरे अकाउंट में इतने पैसे भेज दो और नहीं तो मैं बता दूंगी, और ऐसा नहीं मेरे पास नंबर नहीं है तुम्हारे, क्योंकि जो नंबर आपका अरेंज कर सकता है वो तो आपके रिलेटिव का भी कर सकता है अरेंज। बिल्कुल। तो इस तरह की कई केसेस, और आदमी लोक लाज में फंसता है, लोक लाज में फंसता है और उसके बाद वो जो डिमांड्स होती है उसको पूरी करता है वो, और ऐसे कई केसेस सामने आए। जैसे मुंबई में जिस तरह से केस सामने आया कि एक शख्स ने तो खुदकुशी कर ली, अब इसको मैं ये कहूंगा कि इस तरह की जो कॉल्स आती हैं उसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है और आपको सबसे पहले तो उसे शिकायत दर्ज करानी चाहिए। लेकिन इसमें एक मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। मेरा जो छोटा भाई है, अब तो हो गए 3-4 महीने हो गए, उसके बाद भी रेंडमली ऐसे वीडियो कॉल आई और उसने उस कॉल को पिक कर लिया, अभी वो 23-24 साल का, और उसके बाद फिर उसने जब मुझे बाद में ये बात बताई कि उसको धमकियाँ आ रही हैं, उसको उससे पैसों की डिमांड की जा रही है, और मज़े की बात तो चिराग भाई ये है उसमें कि जिस नंबर से उसको बाद में धमकी और पैसे की उगाही मांगी जा रही थी, उसमें उसने एक दिल्ली पुलिस की वर्दी पहने हुए एक शख्स की फ़ोटो लगा रखी है पुलिस वाले की, और बाद में जब वो नंबर मुझे दिया और मैंने बात की, वो संसद मार्ग थाने से अपने आप को बता रहा था, और जब मैंने संसद मार्ग थाने में ही फ़ोन मिला के पूछा कि ये इस तरीके कोई फला आदमी है और इस तरीके मामला है, तो उन्होंने कहा ये सब फर्जीवाड़ा है, ये एक रैकेट चल रहा है और आप लोग इसमें सतर्क रहें। ये तो एक उदाहरण है। एक और हमारे साथी हैं तो देवरिया से, उन्होंने वो बता रहे हैं कि उनके गांव का एक शख्स ऐसे ही फंस गया और जब वो थाने गया शिकायत करने के लिए, तो थाने वाले भी कह रहे हैं कि भाई आप भी तो वैसी चीज़ें करने लगे थे और उसके बाद आप फंस गए। तो इस तरीके से लोग फंस जाते हैं, मतलब तो शिकायत लेकर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, कैसे लोग पकड़ में भी आते हैं, मेरा सवाल ये है। बिल्कुल पकड़ में आते हैं, ऐसी बात नहीं है, और शिकायत पर एक्शन भी होता है। हाँ, ये बात सही है कि कई केसेस में नहीं होता होगा, क्योंकि इसमें 90% तो गलती दोनों तरफ से ही होती है, कोई एक तरफ से तो गलती नहीं होती। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप इमीडिएटली आप बैंक कॉल को सही है, लेकिन बैंक कीजिए उसके बाद। अब आप किसी को बिल्कुल आप एग्री, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आप उस समय कुछ सेकंड्स के लिए वहां स्टे कर जाते हैं, तो कुछ समय के लिए आदमी ब्लैंक भी हो सकता है, अचानक से क्या हुआ। ठीक बात है, तो ऐसे में इसका बेस्ट तरीका ये है कि जो नंबर आ रहा है उसको आप पुलिस को कंप्लेंट करें प्रॉपर। इसका आजकल तो ऑनलाइन कंप्लेंट्स हो आती है कि भाई मुझे फलाने नंबर से इस तरह से वीडियो कॉल आई है जिसमें एक लड़की, और रिकॉर्डिंग का जहाँ तक ऑप्शन है, क्योंकि हम लोगों के मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं होती। क्योंकि देखिए ये लोग धमकियाँ कैसी देते हैं,
ये इन्हें आपके फेसबुक का पता होता है, इन्हें आपके इंस्टा सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पता होता है, ये आपके कई फैमिली मतलब इनके पास सारे नंबर भी होते हैं, ऐसा नहीं है। आदमी फंसता कैसे इसको आप समझिए कि आपको आप देखिए अगर इंडिविजुअल सिर्फ आप ही का नंबर है तो आप भी ज़्यादा ब्लॉक कर देंगे, लेकिन कहीं और जगह से आपको परेशान किया जाएगा, आपके वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी जाएगी, तो एक आम आदमी कहता है कि यार चलो 2-4-5 हज़ार देखिए मैं अपनी जान छुड़ा लेता हूँ इससे, लेकिन जान छूटती नहीं है, जान और ज़्यादा फंस जाती है। तो इसके लिए पुलिस क्या कुछ इस तरीके के जो साइबर के एक्सपर्ट हैं जो क्राइम के, वो इस पर क्या कुछ एक्शन ले रहे हैं कि इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि कहीं से रुक नहीं रहा, ये बढ़ता जा रहा है। ये बात आपने सही कही, बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब कंप्लेंट होती है तो पुलिस ऑब्वियसली नंबर ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में नंबर स्विच ऑफ हो जाता है इमीडिएटली, तो इनकी लोकेशन नहीं मिल पाती, लास्ट लोकेशन ही मिल पाती है जब ऑन था मोबाइल उस समय, और तब तक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी को ट्रैक करना, अनटिल अनलेस कि कोई इसको आप खुद ही ट्रैप में फंसाएं, खुद ही बहुत देर तक इससे बात कर रहे हो, फिर वहाँ से पुलिस इसकी जो है वो रिकॉर्डिंग सुन रही हो, वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास हो, उसके बाद उसकी लोकेशन मिले, बहुत सारे क्लूज हैं इस तरह के केसेस में जो होते हैं, लेकिन यूजुअली खीर है, बहुत जरूरी नहीं कि भाई दिल्ली में कोई आदमी ठगा गया है तो उससे दिल्ली में बैठ के ठगी हो रही हो, सकता है वो चेन्नई से हो रही हो, लेकिन इस तरह की केसेस में ज़्यादातर ये देखा गया कि लोग कंप्लेंट नहीं करते, क्योंकि वो लोक लाज की वजह से कंप्लेंट्स नहीं करते कि ठीक है अब छोड़ो, किसी का कॉल आया रेंडमली कोई बात नहीं, हमने 10-20 हज़ार रुपये दे दिए कोई बात नहीं, चलो खत्म करो, उसके बाद ये भी आगे के लिए ईमानदारी भी होती है कि जो लोगों को ये एक बार परेशान करते दोबारा नहीं करते परेशान, क्योंकि फिर बंदा एक बार फ्रस्ट्रेट होकर जाएगा ही ना, तो उनको पता होता है कि एक बार परेशान कर दिया, एक मुर्गा हमारे से फंस गया, अब दूसरे को ट्राई करो। एक तो इनकी मॉडस ऑपरेंडी होती है जो कई सारे गैंग्स पकड़े गए, दूसरा इसमें जो नंबर जैसे मैंने बताया ट्रैकिंग, पुलिस को आप इमीडिएटली दें वो नंबर ट्रैक करती है, कई बार पकड़े भी जाते हैं, कई दिल्ली पुलिस ने भी कई केसेस ऐसे सॉल्व किए हैं जो सेक्सटॉर्शनिस्ट जिनको बोला जाता है कि जो इस तरह से वीडियो कॉल करते हैं, कई बार तो ऐसे होता है मेरे पास खुद फ़ोन आया, ये तो चलिए सेक्सटॉर्शनिस्ट गैंग से हो गया, कई ऐसे भी होते हैं जो मुझे रैंडमली फ़ोन आया कि मेरे फलाने यहाँ एडमिट हैं, वो जख्मी हैं और बुरी हालत में, उनका नंबर मैंने आपको मैसेज भी है, वही चीज़ें कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अब अलग अलग तरीके से ठगने की नई नई तरकीब बना रहे हैं, और उसी में से एक तरकीब ये है जिसमें मुंबई के एक रेलवे कर्मचारी को खुदकुशी करनी पड़ गई, अपने पीछे दो बच्चे और पत्नी छोड़ गए, लेकिन आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जब कभी ऐसी कोई कॉल आपके पास आए तो घबराइए मत, तुरंत पुलिस को सूचित करिए और संबंधित थाने में जाकर अपनी शिकायत को दर्ज कराइए, और ऐसे लोगों की धरपकड़ होना बहुत ज़रूरी है जो समाज के अंदर अब कहीं ना कहीं कैंसर की तरह फैलते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका, यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।